पिछली वीडियो में मैंने आपको जाने जहां ड्रामे के बारे में एक्सक्लूसिव तकरीबन इसकी 70% कास्ट के बारे में बता दिया था कि इसमें कौन कौन होने वाले हैं। इससे कुछ ऐसा पहले तक हमें यही पता था कि इसमें आयजा और हमजा अली अब्बासी होने वाले हैं, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको तकरीबन 70% कास्ट के बारे में बता दिया था, तो आज की वीडियो में मैं तकरीबन आपको 99% कास्ट के बारे में बता दूंगा। चार और बड़े एक्टर्स का इजाफा हुआ है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें ताकि आपको मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो ARY डिजिटल पर एक ड्रामा आने जा रहा है जिसका नाम है जाने जहां। इसकी जो स्टारकास्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी वो थी हमजा अली अब्बासी, आयजा खान, नवल सईद, सवेरा नदीम, हारिस वहीद, रजा तालिश, असवद यूसुफ, किंजा मलिक और नूरुल हसन। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कास्ट बता दी थी। अब जो नए चार लोग हैं वो होने वाले हैं मरियम नफीस, साकिब समीर, आसिफ रजा मीर और जैनब कयूम। ये चार बड़े एक्टर्स का इजाफा इसमें हुआ है और अब ये इस ड्रामे की तकरीबन 98% या 99% कास्ट है। बाकी आपको कुछ चंद एक और स्पोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। इस ड्रामे को रेदा बिलाल ने लिखा है और इसे कासिम अली मुरीद ने डायरेक्ट किया है और ये नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन तले बना है। चैनल के बारे में कुछ चैनल्स अभी आपको कंफर्म करके बता रहे हैं कि ये तो ARY का ड्रामा है। मैंने आपको काफ़ी अर्सा पहले बता दिया था कि ये कंफर्म है कि ये ARY का ड्रामा होने वाला है। मुझे मतलब न्यूज़ पहले मिल जाती है लेकिन कुछ चैनल्स को अभी मिली है तो बड़े मतलब एक एक्सक्लूसिव बता रहे थे कि ARY का ड्रामा होने वाला है। तो अभी इस ड्रामे की शूटिंग जारी है, इसका मतलब तकरीबन चार दिन पहले फर्स्ट डे था शूटिंग का और ड्रामे का प्री प्रोडक्शन का काफ़ी काम हो चुका है। तो ड्रामे की शूटिंग अभी बड़ी तेज़ी से जारी है और ड्रामा आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। ये ड्रामा कुछ अनकही को अब रिप्लेस करता नजर नहीं आ रहा क्योंकि शूटिंग अभी स्टार्ट हुई है। कुछ अनकही को कौन सा ड्रामा रिप्लेस करेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस ड्रामे के OST को नवीद नशाद ने ही गाया है और उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ही कंपोज किया है और ये OST आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। शायद ड्रामे के आने से कोई 15 दिन पहले ये देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि आप इस ड्रामे के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है या आप इस ड्रामे का वेट किसके लिए कर रहे हैं। इसकी मुकम्मल स्टारकास्ट के लिए, ओवरऑल हमजा के लिए, आयशा के लिए, इनके कपल के लिए या फिर किसी और वजह से, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।